जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनदीप और मेरे साथ मौजूद है सऊद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। अधीर रंजन पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, ये कहना है सोनिया गांधी का। तो ये इस वक्त की अपने आप में बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अब सोनिया गांधी की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। वो माफी मांग चुके हैं। सोनिया गांधी ने गुस्से में ये जवाब दिया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अधीर रंजन का ही बयान है कि मैं बीजेपी से क्यों माफी मांगूं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है। अगर गलती से निकल गया और खुद अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगूं, तो फिर सोनिया गांधी ये कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है। कुल मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया, उसको लेकर के पूरी की पूरी कांग्रेस घिर रही है और अब पूरी बीजेपी उस पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर दरअसल बहुत जबरदस्त तरीके से अधीर रंजन चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है। मैम विल यू आस्क, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज, देखिए सवाल यहाँ सिर्फ अधीर रंजन पर ही खड़े नहीं हो रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद आप देखिए सोनिया गांधी का जिस तरह से उनका रुख देखा गया कि वो तो माफी मांग चुके हैं। इससे पहले अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा था वो भी हम लगातार आपको सुना रहे हैं। तो न सवाल सिर्फ यहाँ पर अधीर रंजन पर खड़े हो रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या पूरा देश आज महिलाओं के सम्मान के हक के लिए लड़ रहा है, वहीं पर विपक्ष इस देश की प्रथम महिला नागरिक को अपमानित करने का कार्य कर रहा है। तो निश्चित तौर पर महिला के साथ साथ ये पूरा हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और महिला राष्ट्रपति के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रपति जी पर टिप्पणी करना यानी हर एक महिला पर टिप्पणी करना है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने जो जिस तरह की टिप्पणी की है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब आगे क्या रणनीति और किस तरह की मांग आप? ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना शॉकिंग है ये कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के दल के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और वो इस प्रकार का शब्द महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए करें, बहुत ही शर्मनाक शब्द है ये राष्ट्रपति पद का। तो आप स्थिति देख लीजिए, पूरी की पूरी कांग्रेस घेर रही है, लेकिन आप उस पूरे बयान को अगर सुनेंगे सोशल मीडिया पर, यह बयान बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल है, उसमें अधीर रंजन चौधरी गलती से नहीं बोल रहे हैं बल्कि बाकायदा उस शब्द पर जोर दे रहे हैं जिसको लेकर के वो घिरे हुए हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि उनके मुंह से गलती से निकल गया तो शायद ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और जो भी इस बयान को सुन रहा है, जिसने भी ये बयान सुना है, वो ये समझ सकता है कि असल में अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से नहीं निकला बल्कि जानबूझ करके उन्होंने जोर दे करके उस शब्द का इस्तेमाल किया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन के बयान पर अब बवाल शुरू हो चुका है। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखा गया। राज्यसभा लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी मांगने की भी मांग की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जिनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया, इस पर जमकर हंगामा भी देखा गया दोनों सदनों में। और साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा है। और इसको लेकर के स्मृति ईरानी ने जबरदस्त तरीके से आज कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में अधीर रंजन के बयान पर जो बवाल हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साफ तौर पर पूरी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई। गरीब की बेटी कांग्रेस को मंजूर नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा। पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा।
सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाइएस्ट office in this country, you sanction the insult of every Indian citizen due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi adivasiyon se. Maafi mango aurno se. Maafi mango gareeb se. माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष कैसा सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्य विहीन संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर संसद पर आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो रुक करते एक बड़ी खबर का, राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन की सफाई भी सामने आई। मैं बीजेपी से माफी क्यों मांगू, ये कहना है अधीर रंजन का। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से गलती से ये शब्द निकले थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ सोनिया गांधी कह रही कि वो तो माफी मांग चुके हैं, तो वहीं खुद अधीर रंजन का ये बयान है कि मैं माफी क्यों मांगू। पिछले पहले कहा राष्ट्रपति, उसी साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए, चूक हो गए। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए, चूक हो गए। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये ना हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुँह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगू, गलती से निकल गया राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति उनके मुंह से निकल गया। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अग्रेसिव, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर सड़कों पर उतरने की बात हो, देशव्यापी आंदोलन करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, तमाम महिला सांसद हो, पुरुष सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के
वो लगातार कह रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी होगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी, लेकिन जो रिएक्शंस लगातार सामने आए हैं वो आप देखिए। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी काफी गुस्से में, जब पत्रकारों ने रिएक्ट करने को कहा सोनिया गांधी को, तो बहुत एग्रेसिवली, जरा तस्वीरें देखिए एक बार। तो ये दोनों वीडियोस आपकी टीवी स्क्रीन पर से हिंदुस्तान रख चुका है, आपको बता रहा है कि किस तरीके से स्मृति ईरानी लोकसभा के पटल पर बहुत अग्रेसिव, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के हाव भाव आप देखिए, जो कि खुद बार बार ये कह रहे हैं, हर कोई जानता है कि कई राष्ट्रपति इससे पहले कांग्रेस भी देश को दे चुका है, लेकिन एक महिला होने के नाते जिस तरह की बातें अधीर रंजन ने कही है, वो स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट में आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने पूरा मार्च निकाला इस मामले में, महिला और पुरुष सभी सांसदों ने मिलकर हाउस में उनके माफी को लेकर हंगामा किया जा रहा और कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी नहीं सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी इस पर अटैकिंग मोड में रहेगी क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास इस तरह का मौका नहीं मिलता। हालांकि आप देखिए 2014 से लेकर अब तक हमेशा जब कुछ बड़ा मामला रहता है तो कांग्रेस के नेता, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे तमाम वो नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, वो ऐसी गलती करते हैं कि पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ता है। तो ये कांग्रेस के एक नेता नहीं, तमाम नेताओं के। तो आप स्थिति देख लीजिए और इस बयान पर जबरदस्त बवाल है और सड़क से लेकर के संसद तक इस वक्त हंगामा हो रहा है। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला, तो अब बीजेपी इस पूरे मामले पर देशव्यापी आंदोलन तक की भी बात कर रही है। और आप अंदाजा लगाइए अधीर रंजन चौधरी का बयान और सोनिया गांधी का बयान आपस में कंट्राडिक्ट भी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि गलती से निकल गया है और मैं माफी क्यों मांगू, तो वहीं सोनिया गांधी कह रहे हैं कि वो तो माफी मांग चुके हैं। लेकिन खास बात यह भी कि जिस बयान को लेकर के ये पूरा हंगामा और बवाल हो रहा है, उस बयान को सुनने पर ये साफ नजर आता है कि असल में उन्होंने गलती से नहीं कहा, बल्कि वो तो बकायदा जोर देकर के कह रहे थे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपत्नी, और इसको लेकर के अब वो अपनी सफाई देते दिखाई दे रहे हैं। दोनों वीडियो हिंदुस्तान आपके सामने रख रहा है, एक तरफ वो साफ तौर पर कह रहे हैं अधीर रंजन कि मैं माफी क्यों मांगू, मैं उसी वक्त राष्ट्रपति पहले मैंने बोला था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बिफरी हुई नजर आई। साफ तौर पर उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा, काफी नाराज वो नजर आई, सीधे झल्लाकर उन्होंने कहा कि माफी मांग ली है अधीर रंजन चौधरी ने, लेकिन माफी वाले शब्द ना आपने अब तक सुने होंगे ना हमने अब तक सुने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एक तरफ महिला अस्मिता को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर बवाल कर रही है, जब ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया था तो महिला अस्मिता की बात करने वाली कांग्रेस आखिर कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ जो शब्द बोले गए। और इस पूरे मामले पर आप देखिए बीजेपी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, स्मृति ईरानी किस तरीके से गर्जी है लोकसभा में, सुनिए जरा। पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी, कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही, कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही, कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू स्टैंड
sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional court. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. Maafi mango is desh se. Maafi mango Sonia Gandhi adivasiyon se. Maafi mango aurno se. Maafi mango gareeb se. तो स्मृति ईरानी को आपने सुना और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति को जिस तरीके से संबोधित किया गया उसके बाद भी माफी की मांग करनी पड़ रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हितेन रोटलानी हमारे साथ है। हितेन, महिला अस्मिता को लेकर तो कांग्रेस कल तक सड़कों पर उतरी हुई थी, आज सब भूल गए, ना महिला अस्मिता का जिक्र ना राष्ट्रपति पद की फिक्र। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल तक कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घिरती नजर आ रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से कांग्रेस बैकफुट पर है और सरकार कांग्रेस को घिरती नजर आ रही है, और वो भी उसी महिला वाले मुद्दे पर। देखिए, दो दिन तक सड़कों पर हंगामा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि एक बुजुर्ग महिला, बीमार महिला को परेशान किया जा रहा है घंटों घंटों तक पूछताछ करके। लेकिन जब उन्हीं के खुद के एक नेता ने देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति का अपमान किया, तो अब ये खुद ही अपने बयानों में जो है कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। हालांकि ये मुद्दा थमने वाला है नहीं। अगर अधीर रंजन चौधरी माफी भी मांगते तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इतने आसानी से थमेगा। ये एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ महिला अस्मिता का सवाल नहीं है। आपने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, और प्लस वो जिस समाज से, जिस समुदाय से वो ताल्लुकात रखते हैं, आदिवासी समुदाय का भी आपने अपमान किया है। तो इसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले दिनों में जो है हमें चुनावी मुद्दे, इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनाती भी नजर आएगी, क्योंकि दो राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। गुजरात में आप देखिए ट्राइबल बेल्ट है बहुत बड़ा, और साउथ गुजरात में जहां पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। चुनाव वाली चीजें ठीक है, लेकिन लेकिन अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी किसी दल की राष्ट्रपति तो है नहीं, वो तो देश की राष्ट्रपति है ना। और खुद महिला होने के बाद जब सोनिया गांधी से इस पर रिएक्ट मांगा गया तो वो बिल्कुल बिफर गई, नाराज हो गई। ये नाराजगी क्यों? क्या उनका उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि सबसे बड़े दल, एक पुराना दल कांग्रेस, और उसके नेता, वो भी नेता विपक्ष, नेता है सदन, वो इस तरह की बात रख रहे हैं? तो ये देखिए, ग्राउंड जीरो से भी आपको तस्वीरें हमने दिखाई, और साथ ही हितेन हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने ज्यादा जानकारी दी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हितेन आपका। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कल तक महिलाओं के हित में, और साथ ही हम देख रहे थे कि सोनिया गांधी के समर्थन में ईडी की जांच जो की जा रही थी उसके विरोध में कल तक सड़कों पर उतरी कांग्रेस, आज अपना जो रुख है वो एक बार फिर से बदलती हुई देखी जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई बार इस तरह के बयानबाजी की जा चुकी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज़।